पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इस बार गौकाष्ठ से तैयार की गई लकड़ी से ही होलिका दहन करने का फैसला किया है। आपको बता दें, शहर की खूब सारी उत्सव समितियों ने होलिका दहन इस बार गौकाष्ठ से करने का फैसला लिया है। भोपाल में भी गौकाष्ठ से ही होलिका दहन होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में इस बार हजारों स्थानों पर गौकाष्ठ से होलिका दहन की तैयारियां की जा रही है। इस वजह से बड़े पैमाने पर जंगल कटने से बचे हैं और होली के दिन जलाऊ लकड़ी की बिक्री में भी कमी आई है। इस बार लोग गाय के गोबर कंडों से होली जलाकर पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे। राजधानी के करीब 50 से ज्यादा स्थानों पर गौकाष्ठ से होली का दहन किया जाएगा। इस बार होली उत्सव समितियां पर्यावरण सुरक्षा और पेड़ों की कटाई की रोकथाम के लिए बहुत से स्थानों पर गौकाष्ठ व कंडों अधिक उपयोगी करेंगे। शहर में खुले गौकाष्ठ केंद्रों पर इसे खरीदने वालों की खासी भीड़ दिखाई दी। गौकाष्ठ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा होलिका दहन के लिए गौकाष्ठ केंद्र खोले गए हैं। शहर में लगभग सभी स्थानों पर होलिका दहन की व्यापक तैयारियां की जा रही है। अब की बार भोपाल के अंदर एक इतिहास लिखा जा रहा है। गाय के गोबर की बनी लकड़ी गौकाष्ठ से होलिका दहन किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस सेंटर पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पर आज अभी दिन का समय हो रहा है, दिन के समय तक 300 कुंटल के ऊपर लकड़ी बेची जा चुकी है 19 केंद्रों पे, और हमारी गौकाष्ठ बिक रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लगभग मैं एक अंदाज से बता सकता हूँ कि 1000 कुंटल के ऊपर गौकाष्ठ का क्रय होगा और भोपाल के अंदर हजारों की तादाद में पेड़ कटने से बचेंगे। देखिए, भोपाल की जनता से मैं समझता था कि 25% होली हम जला पाएंगे। हम 50-60% होली गाय के गोबर की बनी लकड़ी गौकाष्ठ से जला रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पूरा पहले जमाने में गाय के गोबर की गुलेरी बनाई जाती थी। उस गुलेरी को सुखा के उसको रस्सी में पिरोते थे, उसकी माला बनाते थे और उस गुलेरी की माला से ही होली का दहन होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आने लगे, आदमी के पास टाइम नहीं रहा कि कौन गाय के गोबर की गुलेरी बनाए, कौन उसको सुखाए, कौन उसकी माला बनाए, पेड़ काटो और होली जलाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये गौकाष्ठ अब की बार हम होलिका दहन के लिए उपयोग कर रहे हैं, पूरे भोपाल की पब्लिक सड़कों पे आ गई है कि अब की बार हम होलिका दहन सिर्फ गौकाष्ठ से करेंगे और हजारों की तादाद में पेड़ कटने से बचाएंगे। सर, ये बहुत अच्छी मुहिम है जो छेड़ी है, बहुत अच्छा है आगे के लिए। जैसे पेड़ काटना गुनाह है, जो भी पेड़ नहीं काटेंगे पर्यावरण अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छी कोशिश है इनकी, उसमें मैं भी शामिल होना चाह रहा हूँ। नहीं, सस्ता है, सबसे बढ़िया लगा, इसलिए मैं देखते से खरीद लिया है। लाभदायक रहेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा, इससे बहुत फायदेमंद है। तो लकड़ी की जगह अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो एक तो वातावरण पवित्र होगा, गाय के गोबर से जो धुआं निकलता है उससे भी पर्यावरण की शुद्धि होती है। इसलिए गौकाष्ठ का उपयोग करने के लिए यहाँ पर युवाओं ने गौकाष्ठ की एक ताल लगाई है और होली पर देख रहे हैं आप कि लोग प्रमुखता इसको प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में लकड़ी मिलना भी मुश्किल होगा। होलिका दहन स्थलों को झंडियों व फूल मालाओं से सजाया गया। होलिका जलाने का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। पंडितों के मुताबिक गौकाष्ठ व कंडों से होलिका दहन करने से वातावरण की शुद्धि होगी। धार्मिक अनुष्ठान आदि में गोबर से ही शुद्धि की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।